Hello students, so in the last video we have seen this one, circular motion of a car on a level road. Now today we are going to see about circular motion of a car on a banked road. Okay? नाउ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड मतलब ये नहीं जो रोड है उसके सामने कोई बैंक या कुछ है. बैंक रोड मतलब क्या है, देखो ये हो गया पकड़ लो प्लेन रोड, ठीक है. बट अभी जो रोड है ना वो थोड़ा ऐसा है, मतलब गाड़ी ऐसे आएगा लेकिन जो रोड है वो कुछ ऐसा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ ये रोड कुछ एंगल बना रहा है. तो गाड़ी जब आएगा उसको ऐसे इंक्लाइन होकर आना पड़ेगा, ठीक है. जैसे कि हम लोग कभी ये मौत का कुआं में देखता है ना, गाड़ी ऐसा है तो वो तो हो गया पूरा फ्लैट ऐसा बैंक हुआ है, इतना नहीं बल्कि कुछ एक एंगल पे. तो फिर ये एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम होगा, 3D डायग्राम, जहां पे गाड़ी ऐसे आ रहा है और जो रोड है वो ऐसा है, तो जो गाड़ी है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे. ये पकड़ लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है हम लोगों का और जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एट एन एंगल थीटा बैंक हुआ है. ओके, मतलब एट एन एंगल थीटा बना रहा है. नाउ यहां पे गाड़ी आ रहा है. ओके, ये फ्रंट साइड है. फिर से मेरे डायग्राम पे ध्यान मत देना, ठीक है, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है. गाड़ी ऐसे आ रहा है, ठीक है, रोड ऐसा है, गाड़ी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे ड्राइवर तो होना ही है, बिना ड्राइवर का गाड़ी कैसे चलेगा, है कि नहीं. सो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अभी क्या हो गया, वो अभी ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आर, है कि नहीं. ये ड्राइवर है हा, ठीक है, ये गाड़ी का जो वेट है mg. नाउ ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है ना, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं. ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है. अभी देखो इस तरफ क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स. तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी कैसा है, ऐसे इंक्लाइंड है ना, तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक ये और एक ये, ठीक है. तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा. तो ये हो गया डायग्राम. देखो अभी ये जो रोड को ऐसे इंक्लाइन किया जाता है ना, रोड को जैसे बैंक किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, क्योंकि ना फ्लैट रोड पे ना गाड़ी के टायर और रोड के बीच में ना बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बार बार रफ होने की वजह से जो गाड़ी का टायर है वो घिस जाता है, मींस वेयर एंड टियर होता है. टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेयर एंड टियर जनरली दिस रोड इज प्रोवाइडेड विद दिस इंक्लाइनेशन थीटा. ओके, नाउ यहां पे अच्छे से देखो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, आर कॉस थीटा, नीचे की तरफ कितना फोर्स है, एमजी एन एफ साइन थीटा. दैट मीन्स आर कॉस थीटा यहां पे किसके साथ इक्वल है, एमजी एन एफ साइन थीटा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना. सिमिलरली देखो क्योंकि गाड़ी तो ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रहा है ना, ऊपर नीचे, तो वो कंपोनेंट्स बैलेंस रहेगा. सिमिलरली हम लोग को मालूम है जब गाड़ी सर्कुलर टर्न लेगा तो उसको सेंटर के तरफ क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे सेंटर के तरफ कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक तो हो गया ये आर साइन थीटा, दूसरा एफ कॉस थीटा. दैट मींस आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सुनो, तो सबसे पहला इक्वेशन फ्रॉम द फिगर यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है. एंड सेकेंड हम लोग को क्या मिलेगा, सेकेंड हम लोग को मिलेगा दैट द नेसेसरी सेट, और यहां से हम लोग एमजी निकाल लेते हैं, हाँ, तो यहां से एमजी इक्वल टू क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं. एंड जो सेकेंड चीज हम लोग को मिलेगा दैट आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो आर साइन थीटा प्लस एफ
cos theta provides the necessary centripetal force, that means this is equal to mv square by r, where what is r? R is the radius of the circular path. Okay, now इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे. सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां पे क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, और यहां पे क्या आएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. अभी ये वाला पार्ट अच्छे से देखना. हाँ, ये मेन इसका कैलकुलेशन का पार्ट है. तो यहां पे क्या हुआ, एम और एम कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, वी स्क्वायर बाय आर जी. और ये जो साइड है अच्छे से देखो. हाँ, ये जो साइड है इसमें हम लोग काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं बाय आर कॉस थीटा. वी कैन डिवाइड, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर सेम चीज देगा. नाउ इसको अगर r cos थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अच्छे से देखो, इसमें r r कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा कितना आएगा, tan थीटा, प्लस इसमें cos थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, प्लस f बाय r, इसमें r cos थीटा बाय r cos थीटा क्या बचेगा, 1, माइनस इसमें f बाय r और sin थीटा बाय cos थीटा क्या बचेगा, tan थीटा, ये बचेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा, देखो, v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू f बाय आर, क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो ये हो गया म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस f बाय आर, क्या हो गया, म्यू टेन थीटा. तो v स्क्वायर क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर मिल जाएगा आर जी विद इन ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा. तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द कार, उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, रूट ओवर आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा. ये हो गया इक्वेशन, क्लियर. चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो. ओके, नाउ ये जो इक्वेशन है ये तो मिल गया हम लोगों को, गाड़ी का वेलोसिटी ऑन ए बैंक रोड व्हेन देयर विल बी फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू है ना, व्हेन देयर विल बी फ्रिक्शन. अभी अगर स्पेशल कंडीशन में देखें, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अभी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू विल बिकम जीरो. तो वी क्या होगा, देखो, वी इक्वल टू आर जी रहा, ये जीरो हो गया, तो यहां पर बचा रूट आर जी टेन थीटा, और ये भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं. सो 1 माइनस जीरो, दिस वन डिवाइडेड बाय 1, मतलब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं. सो व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन व्हाट इज द सेफ वेलोसिटी ऑफ द कार, वी इक्वल टू रूट ओवर आर जी. ओके, तो ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला ना, हम लोग का एक और टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी ना वेलोसिटी का फॉर्मूला यही मिलेगा हम लोग को, उसके मैं वीडियो बना के दूंगा, लेकिन मैं इसी में उसका थोड़ा समझा देता हूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. सो उसमें हम लोग को थीटा निकालना होता है, तो इसमें से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, सेम फॉर्मूला, रूट हटा दो और निकाल दो, तो थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, है कि नहीं. नाउ उसमें एक क्वेश्चन आता है ना, जो साइक्लिस्ट जो है वो जब बेंड होगा तो वो कितना ज्यादा बेंड होगा, वो किस पे डिपेंड होगा, या कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. तो ये जो बेंडिंग है, मतलब साइकिल को, क्योंकि हम लोग को जब साइकिल चलाते वक्त टर्न लेना पड़ता है, वी हैव टू बेंड इन दिस वे ना, तो वो कितना बेंड होगा वो दो चीज पे डिपेंड होता है. एक वेलोसिटी, जितना ज्यादा स्पीड पे साइकिल जाएगा उतना ही ज्यादा बेंड होना होगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सेकेंड रेडियस, ये किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, साइकिल भी अगर तुम चला रहे हो इन ए सर्कुलर पाथ, फ्लैट पाथ पकड़ लो, नॉट बैंक रोड, प्लेन रोड पकड़ लो, ठीक है, इन ए फ्लैट रोड, तो कितना तुमको बैंड होना पड़ेगा साइकिल चलाते वक्त. अगर जो रास्ता है उसका रेडियस बड़ा है तो कम बैंड होना पड़ेगा, रेडियस छोटा है तो ज्यादा बैंड होना पड़ेगा. क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इट मेनली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन वेलोसिटी,
ओके एंड सेकेंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके तो यहां तक अच्छे से देख लो,